पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। हमने आपको वो तो बताया था, दृष्टिकारी वह युक्ति होती है जिसके द्वारा आप अल्टरनेटिंग वोल्टेज सिग्नल को दृष्टिकारी वोल्टेज सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। मैंने आपको अर्ध तरंग दृष्टिकारी के बारे में समझा दिया था, आज मैं आपको पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के बारे में बता रहा हूँ। तो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में लगाया जाता है। अब आप जैसे ही लगाते हैं तो आउटपुट वोल्टेज हमें इसकी सेकेंडरी कुंडली में प्राप्त होता है। इसमें दो डायोड लगे रहते हैं, एक डायोड इसको मैं D1 नाम दे रहा हूँ, दूसरा डायोड यहाँ पर ये D2 है, ये चला गया, ये डायोड D2 है। और इसमें हम करते क्या है, जो सेकेंडरी कॉइल है इसको 20 से डिवाइड कर देते हैं ऐसा, और यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज को हम लेकर चलते हैं। ठीक, तो ये आपके पास D1 आ जाता है, आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर लगता है जिसको हम लोड रेजिस्टेंस या RL कहते हैं। ठीक है, अब कंडीशन क्या हो गई इसको बहुत अच्छे से वो तो समझिए, मैं आपको वो तो बता रहा हूँ, वर्किंग आप लोग खुद लिखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से भी ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें डायोड D1 और D2 है। प्राथमिक कुंडली में मैंने प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज को यहाँ पर लगाया हुआ है, इसको ध्यान से हो तो देखिए, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत ऐसे होता जा रही है, ये ऐसे 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 होता जा रही है। ठीक, इसका अधिकतम एम्पलीट्यूड V0 और ये कितना हो गया आपके पास -V0 के इक्वल हो गया, ये T/4, ये T/2, ये कैसा हो गया 3T/4 और ये कितना हो गया T के इक्वल हो गया। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को प्राथमिक कुंडली की ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में मैंने लगाया हुआ है। अब कंडीशन क्या होती है, मेरे को ये कैसा हो गया इनपुट AC वोल्टेज, ये इनपुट AC वोल्टेज को मैंने प्राथमिक कुंडली में यहाँ पर लगाया हुआ है। अब DC आउटपुट वोल्टेज को मैं लोड रेजिस्टेंस के इधर पर कैलकुलेट करता हूँ, तो ये हो जाता है DC आउटपुट वोल्टेज मेरे को यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, इसको करने के लिए आप देखिए, मैं यहाँ पर हूँ, ये गया ये गया ये गया ये गया। अब जैसे ही आप क्या करते हैं, ये पॉजिटिव साइकिल है, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव और ये कैसा है निगेटिव। अब जैसे ही प्रत्यावर्ती धारा स्रोत में जो कि आपने प्राथमिक कुंडली में लगाया हुआ है धारा यहाँ से फ्लो होती है, ठीक है ऐसा, तो इससे फ्लक्स चेंज होता है, ये फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में चेंज होता है, ये प्लस है तो ये भी प्लस बन जाता है। ठीक है, ये प्लस बन गया तो ये डायोड आपके पास कैसा हो गया कंडक्ट होगा, कंडक्ट होगा यानी चालित होगा, चलेगा और
यहाँ पर धारा यहाँ पर ऐसे आके यहाँ पर आएगी और इस लोड रेजिस्टेंस के थ्रू करंट फ्लो होगा, तो आई इंटू आर से यहाँ पर वोल्टेज मिलेगा, तो आउटपुट वोल्टेज आपको यहाँ पर मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू डी वन। ठीक है, अब ये आपके पास पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, तो ये डायोड डी टू कंडक्ट नहीं होगा, डायोड डी वन कंडक्ट होगा, इसमें से धारा प्रवाहित नहीं होगी, धारा इसमें से ऐसे होके आएगी और आउटपुट वोल्टेज आपको यहाँ पर मिलेगा। अब जैसे यहाँ पर नेगेटिव साइकिल आता है ऐसा, तो धारा कैसे हो जाएगी, ऐसी यहाँ से प्रवाहित होगी, ये टर्मिनल पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव और ये कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। डायोड डी टू यहाँ पर कंडक्ट नहीं होगा, डायोड डी टू कंडक्ट होगा, डायोड डी वन कंडक्ट नहीं होगा, क्योंकि धारा की दिशा ऐसी होगी, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये अग्रभिनिति में आएगा, धारा यहां से आएगी तो आई इंटू आर अर्थात इसके अक्रॉस वोल्टेज वी मिलेगा, तो आपको लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस धारा प्रवाहित मिलेगी, तो ये धारा किसके कारण होगी, डायोड डी टू के कारण। अब धारा के अग्र चक्र में ये कैसा होगा, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये फॉरवर्ड वाइसिंग में आएगी, धारा यहां आएगी, तो लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज आपको मिलेगा, इस वोल्टेज को मैं यहां पर कैलकुलेट कर लूंगा, तो ये कैसा होगा, D1 के कारण धारा होगी, D2 कंडक्ट नहीं होगा। अब क्या होगा, ये नेगेटिव है तो धारा ऐसी जाएगी, ये पॉजिटिव D2 कंडक्ट होगा, D2 के कारण धारा आएगी, D1 के द्वारा कारण धारा नहीं आएगी, तो ये ऐसा आ जाएगा, और इस तरह आपको कंटिन्यू यहाँ पर धारा प्रवाहित होगी, जिसके कारण यहाँ पर वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। इसकी अगर मैं यहाँ पर पीक वैल्यू निकालूं, जैसे ये, तो आपको कंटिन्यूसली कैसा हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रही है, आपको ऐसा लगेगा कि आपको पीक वोल्टेज के सिग्नल दिखाई दे रहे हैं, और ये सिग्नल हमारे पास क्या होगा, डीसी के रूप में होंगे, क्योंकि इसमें धारा कैसे होगी, एक कांस्टेंट वोल्टेज से अपनी पीक वैल्यू को दे रही है, अर्थात एसी पूरी तरह से डीसी में कन्वर्ट हो गई, ये हम मान के होते चलते हैं, और ये हमारे पास इसकी एफिशिएंसी करीब 80% के आसपास होती है। इसमें होता है धारा जो रहती है वो अपनी पीक वैल्यू के फॉर्म में आपको बार बार चेंज होगी, लेकिन स्टेबल कंडीशन में पीक वैल्यू दिखाई देगी, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी बोलते हैं। सभी छात्र याद रखेंगे, ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रा अच्छे हैं, इसको आप ज़रूर कर लीजिएगा, इस साल एग्जामिनेशन में आने के इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं।